इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान के जूनियर अकाउंटेंट और संगणक भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर लेके आया हूं। इसी तरह राजस्थान एग्जाम से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको राजस्थान के अपकमिंग एग्जाम से जुड़ी खबर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, सबसे पहले जूनियर अकाउंटेंट और संगणक भर्ती परीक्षा का जो आयोजन है वो तय समय पर होगा, क्योंकि इसके लिए परीक्षा सेंटर भी मांगे जा चुके हैं। 5 दिसंबर से पहले पहले अनिवार्य है देने, यहाँ पर एप्लीकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, और परीक्षा का सेंटर कहाँ कहाँ पर होगा उसके बारे में चर्चा करूंगा, और जूनियर अकाउंटेंट की जो सीईटी की 15 गुना की लिस्ट है वो भी आपके जारी होगी, उसका भी मैं प्रूफ दूंगा, और संगणक भर्ती परीक्षा में कितने स्टूडेंट बैठेंगे उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो आप स्पष्ट रूप से ये देख सकते हो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नोटिस है 27 अक्टूबर को भी जारी कर दिया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से मैं विषय में आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा दिनांक 11/2/2024 को आयोजित की जाने वाली कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 तथा दिनांक 3 मार्च 2024 को आयोजित की जाने वाली संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण करने हेतु ये एप्लीकेशन जारी किया है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि बोर्ड द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2024 को आयोजित की जाने वाली कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 तथा दिनांक 3 मार्च 2024 को आयोजित की जाने वाली संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 का आयोजन निम्नलिखित तालिका में अंकित कार्यक्रम अनुसार किया जाना है। अतः दिनांक 5 दिसंबर 2023 तक परीक्षण केंद्रों की सूची आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करवाएं। तो आपको बता दिया जाता है, सबसे पहले जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्जाम है वो राजस्थान के सिर्फ और सिर्फ 3 जिलों में ही आयोजित होगा। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया कि 15 गुना की लिस्ट तो जरूर आएगी, क्योंकि 15 गुना की लिस्ट आने से स्टूडेंट की संख्या हो जाएगी कम, और कम स्टूडेंट की संख्या इसलिए राजस्थान के सिर्फ 3 जिलों में आयोजित की जाएगी। किन किन जिलों में कितने कितने स्टूडेंट होंगे उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, और संगणक भर्ती परीक्षा में कितने जिलों में आएगा सेंटर उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 है। इसकी जो परीक्षा की दिनांक है वो 11 फरवरी को है। परीक्षा पेपर फर्स्ट है आपके मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, और पेपर सेकंड है वो भी आपके इसी डेट में दोपहर को होगा 3 से लेकर 5:30 बजे तक। इसके लिए आपके परीक्षा 3 जिलों में आयोजित की जाएगी, जयपुर, अजमेर और कोटा में, जिसमें आपके जयपुर में 60,000 स्टूडेंट बैठेंगे, अजमेर में 15,000 बैठेंगे और कोटा में भी 15,000 बैठेंगे। इस तरह से टोटल आपके 90,000 स्टूडेंट हैं वो जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में बैठेंगे, इसका भी प्रूफ आगे दे दूंगा मैं आपको। उससे पहले आप देख सकते हो संगणक सीधी भर्ती परीक्षा, संगणक सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन आपके 3 मार्च 2024 को किया जा रहा है। परीक्षा का समय वही मॉर्निंग में 10 से लेकर 12 बजे तक है, यानी कि परीक्षा का आयोजन 2 घंटे का है, और इसके जो सेंटर है वो राजस्थान के 7 जिलों में किए जा रहे हैं। कौन कौन से? जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर। क्योंकि ये सीईटी में शामिल नहीं है भर्ती परीक्षा, इसलिए इसमें स्टूडेंट की संख्या में भी ज़्यादा है जूनियर अकाउंटेंट की तुलना में। तो अब बात करता हूँ सबसे पहले जूनियर अकाउंटेंट की। आप देख सकते हो जिला मुख्यालय में स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ी तस्वीर तिरछी है, लेकिन आप देख सकते हो सबसे पहले जूनियर अकाउंटेंट का यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ दिनांक 11 फरवरी 2024 प्रातः 10 से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक, पेपर फर्स्ट और दोपहर के 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक पेपर सेकंड। तो इसमें आप देख सकते हो जयपुर में जो स्टूडेंट है वो है 60,000, अजमेर में 15,000, कोटा में 15,000, इस तरह से टोटल स्टूडेंट 90,000 होंगे। तो आप इससे स्पष्ट लगा सकते हो कि सीईटी की 15 गुना की लिस्ट भी जारी हो जाएगी, क्योंकि 15 गुना की लिस्ट जारी होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 90,000 कैंडिडेट को ही शामिल किया जाएगा। जो इन 90,000 कैंडिडेट इस लिस्ट में होंगे वही इस परीक्षा को दे सकते हैं। इसके बाद आपके आती है संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2023, जिसका आयोजन 3 मार्च 2024 को किया जाएगा, प्रातः 10 से लेकर 12 बजे तक, 2 घंटे का समय है। तो आप इसमें भी देख सकते हो जयपुर में 70,000 है, फिर 20,000, 20,000, 30,000, 15,000, 20,000 और 20,000, इस तरह से टोटल जो है आवेदन स्टूडेंट बैठेंगे वो 1,95,000 बैठेंगे। ये आपके सीईटी में भर्ती शामिल नहीं थी, इसलिए इसमें संख्या ज़्यादा है। तो ये थी आज की अपडेट जूनियर अकाउंटेंट और संगणक सीधी भर्ती परीक्षा से जुड़ी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह राजस्थान एग्जाम से जुड़ी अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।